हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको गुरु की महादशा के विषय में बताना चाहता हूँ। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती, काफ़ी लंबा समय होता है। और ये जो महादशा होती है, जन्म के नक्षत्र पे ही आधार होती है। आपके चंद्रमा का क्या नक्षत्र है वही महादशा तय करता है। तो बस काम की बात बहुत फटाफट मैं करता हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा बनने वाला, बहुत सारी चीज़ बताने की है। आपका जन्म नक्षत्र कालचक्र की गणना हेतु जो कि 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा के रूप में वर्णित है, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर किस समय किस ग्रह की दशा चल रही है यह पता किया जाता है, जो भविष्य कथन हेतु महत्वपूर्ण होता है। नवग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। दशा जब प्रारंभ होती है या अंत होता जब दशा जब प्रारंभ होती है जब दशा का अंत होता है उस समय को दशा छिद्र कहते हैं। वह समय कष्टकारी होता है। उस समय मानव छटपटाहट में गलत व्यक्तियों के पास भी चला जाता है और लोग उससे लूटपाट कर लेते हैं, क्योंकि जब उसको कष्ट आता है ना तो छटपटाहट में इधर के पास जाता है, वो गलत व्यक्तियों के पास चले जाता है, या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है उसको बहुत लूटपाट कर लेता है, या कोई गंडा ताबीज वाला या काल सर्प योग वाला ऐसे डरा के उसको बहुत धन ऐंठ लेता है। तो ऐसा ये जो दशा छिद्र होता है वो क्षणिक होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं होता। जब भी ग्रह यदि अपनी पूरी दशा बदलता है, महादशा बदलता है, तो उसका थोड़ा सा समय पीरियड खराब होता है और उसके बाद उसका अच्छा समय आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। तो वो थोड़ा सा जो पीरियड होता है, छोटा पीरियड होता है, उसमें आपको संभल के रहने की जरूरत होती है, सावधान रहने की जरूरत होती है। हिंदू ज्योतिष में 45 जेमिनी पद्धति की दशाएं होती है और 44 नक्षत्र दशाएं होती है। बहुत प्रडिक्शन देने के लिए कई टेक्निक्स होती है, प्रडिक्शन की कई टेक्निक्स होती है। उसको जब अप्लाई करता है तब कोई ज्योतिषी उस पर सही डिसीजन पे आता है कि इसको क्या फलादेश देना चाहिए। प्रत्येक महादशा के 9 खंड होते हैं, प्रत्येक अंतरदशा के 9 खंड होते हैं, प्रत्येक अंतरदशा के 9 खंड, महादशा के 9 खंड, इस पर प्रत्यंतर के भी 9 खंड और सूक्ष्म दशा के भी 9 खंड। इस तरीके से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इतने भागों में महादशा जो है बटी होती है। इसीलिए जो पुराने ज्योतिषी होते थे वो एक एक प्रडिक्शन बता देते थे, मौत का समय भी वो तय करते थे। तो जो प्रडिक्शन है फला दे देते समय मुख्यतः महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का के बारे में विशेष जानकारी के का ही उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म दशा और जो प्राण दशा होती है वो तब पता किया जा सकता है जब किसी जातक की शुद्ध जन्मतिथि हो। यदि शुद्ध जन्मतिथि नहीं होगी तो उसके बारे में पता करना बहुत कठिन होता है। ग्रह कब अपने फल देते हैं? फ्रेंड्स, ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है, जैसे कि ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच का है या उच्च का है, शत्रु है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, गोचर की क्या स्थिति है, ये जब सारी चीजें सर्वाष्टक में उसको कितने अंक मिले हैं, ग्रहों की अवस्थाएं क्या है, अस्त है कि बाल अवस्था है कि युवा अवस्था का ग्रह है, इतनी सारी सब चीजें देखने के बाद भी कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी सही बात पे आ जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक उसकी जन्म कुंडली शुद्ध हो और ये सारी चीजों का डिसीजन कोई जानकार ज्योतिष करता है, वही आज के जमाने में कोई सही फलादेश बता सकता है। अदरवाइज हिंदुस्तान में अच्छे ज्योतिषी बिल्कुल नहीं के बराबर है। गुरु यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, यदि बुरे भाव में होगा तो खराब स्थानों का स्वामी होगा तो निश्चित रूप से वो फल खराब देगा। तो यदि आपकी महादशा चल रही है तो उसको जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके बारे में देखना बहुत जरूरी है। गुरु के आगे मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु की महादशा आपकी प्रारंभ हो रही है तो गुरु के कार्यकर्तव चिकित्सा संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। गुरु हेल्थ के मामले में क्या क्या कर सकता है? गुरु एक कप प्रकृति का है, अत्यधिक शुभ ग्रह होने के कारण जातक को रोग से बचाता है तथा कुंडली में अनेक पाप प्रभावों को नष्ट करता है। इसका अधिकार क्षेत्र यकृत, पितृ की थैली, तिल्ली, अग्नाशय, कुछ भाग, कान, शरीर की चर्बी पर है। गुरु यकृत विकार, पित्त की थैली के रोग, तिल्ली के रोग, मोटापा, रक्त अल्पता, ज्वर, मूर्छा, कर्ण रोग, मधुमेह इत्यादि का कारण है। मंदगामी ग्रह होने के कारण इसके द्वारा होने वाले रोग प्राय दीर्घकालिक होते हैं, क्रॉनिक डिसीज भी ये दे देता है। गुरु आलस्य का भी कारण है। इसमें और भी गुरु के कारण है। जब गुरु का सबसे बड़ा कार्यकर्तव्य धार्मिक, प्रताप, तर्क, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, महान देवता, धर्म, परोपकार, मंत्र, द्विज, बुद्धि इत्यादि, रथ, गायें, पुत्र का भी कारक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गुरु पुत्र का कारण है। यदि किसी का गुरु बिगड़ा रहता है या उसके साथ गुरु चंडाल योग में है, गुरु बहुत पाप दृष्टि में है, तो संतान की प्रॉब्लम भी होती है। ब्राह्मण, ख्याति, शिशिर, देवी, उदारता, उत्तराधिमुख, पीला रंग, तीर्थ स्थान, सिंहासन, लंबा, लाभकारी आदि चीजें गुरु के कारकत्व हैं।
ये भी आपको बताना इम्पोर्टेंट था, जैसे जमा पूंजी, कोष, अश्व, भैंस, गजधन, अद्भुत, गुम्बद, स्वर्ण, पीला, पेट की बीमारी, शारीरिक कष्ट, ये सब जो है गुरु के कारकत्व है। अब आके एक काम चीज बता दूं कि गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री में उच्च का होता है, नीच राशि में जो है गुरु की जो नीच राशि है मकर राशि है, 5 डिग्री में ये नीच का कहलाएगा और मूल त्रिकोण 0 से 10 डिग्री में कहलाएगा। यदि आपकी कुंडली में नीच का गुरु है और यदि वो 5 डिग्री में है तो ही नीच का कहलाएगा, हो सकता है 25 डिग्री का है तो नहीं नीच का कहलाएगा, हो सकता है 1 डिग्री का है तो भी नीच का नहीं कहलाएगा। अब यदि कुछ आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है तो 5 डिग्री का है तो ही वो उच्च का कहलाएगा, यदि वो 25 डिग्री का है तो उच्च का नहीं कहलाएगा, 0 डिग्री में नहीं कहलाएगा। तो 5 डिग्री तक प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए तो कहा जाता है कि कई व्यक्तियों की कुंडली में गुरु उच्च का लेकिन लाभ के फल वो नहीं देता। कारण क्या है कि गुरु होता तो वो उच्च का है लेकिन वो 25 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 5 डिग्री का होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना जरूरी था। फ्रेंड्स, अब ये बताना चाहता हूं कि किसी जातक की गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में उसकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में भी गुरु उसकी की दशा प्रारंभ हो रही है और गुरु में गुरु की महादशा प्रारंभ हो रही है, तो सबसे पहले जो फार्मूला है मेष लग्न की कुंडली में, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि सभी लग्नों की कुंडली अलग अलग होती है, 1 से 12 तक लग्न होती है, तो हर एक कुंडली में ये अप्लाई नहीं होगा, जो होगा मैं बता दूंगा क्या क्या चीज होगा। तो ये जो फार्मूला है ये सभी कुंडलियों में लागू होने वाला फार्मूला है, मेष से मीन लग्न तक के ऐसी स्थिति होगी गुरु की तो अप्लाई होगा। गुरु यदि लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, यदि स्वराशि में हो, उच्च का हो, गुरु यदि केंद्र में हो, त्रिकोण स्थिति में हो, लग्न में से या स्वराशि को हो या उच्च का हो, तो ऐसी समय में हर चीज शुभ ही शुभ होता है। वस्त्र, आभूषण, वाहन का लाभ, नवीन ग्रह निर्माण, अट्टालिका सहित कोठा बनाना, समस्त ऐश्वर्य लाभ, भोग और कार्यों की सफलता, आदर सहित ब्राह्मणों का राजा का दर्शन, मालिक से विशेष लाभ, स्त्री पुत्र आदि को सुख होता है, सब कुछ पॉजिटिव बताया है। बस है कि इसमें गुरु यदि आपका, देखिए मैंने गुरु को केंद्र में बैठा रहा है लेकिन यहाँ पे गुरु केंद्र में बैठा है, केंद्र में बैठे होने के बाद भी गुरु यहाँ नीच का हो गया है मकर राशि में, तो ऐसे में भी ये अच्छे फल नहीं दे सकता। ये लग्न में बैठा रहा हूँ गुरु को और यहाँ पे त्रिकोण में, ये दोनों भाव त्रिकोण कहलाते हैं। यदि गुरु केंद्र में त्रिकोण में और शुभ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उच्च का हो, गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के होते हैं, देखिए चौथे स्थान पे गुरु महाराज हैं उच्च के हैं, ऐसी यदि किसी जातक की ऐसी कुंडली है निश्चित रूप से गुरु में गुरु उसको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, उसको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सिद्धांत था वो मेष लग्न की कुंडली पे मैं उदाहरण से बता रहा हूँ और ये भी सिद्धांत सभी कुंडलियों पर लागू होता है, मीन लग्न, मेष लग्न से मीन लग्न की कुंडलियों तक ये भी सिद्धांत अप्लाई होगा। गुरु यदि नीच राशि का नीच नवांश में या लग्न से 6-8-12 स्थान पे हो तो जो है नीचजनों के संग महाकष्ट और कलह, मालिक का कपोप, ऐसे दुनिया भर की चीजें इसमें बुरी बुरी लिखी है, बताना नहीं चाहता मैं, बुरा बोलना भी नहीं चाहता, तो कुल मिला के नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस पर गुरु देखो ये 6वें भाव में बैठा है, ये 8वें भाव में बैठा है और ये 10वें भाव में बैठा है और यहाँ पे गुरु हो सकता है कि यहाँ बैठ के भी वो नीच का हो, तो ये सिद्धांत तो यहाँ इसमें अभी अप्लाई नहीं होता। गुरु 6वां, 8वां और 12वां हो तो निश्चित रूप से वो अच्छे फल नहीं देता। अब आखिरी सिद्धांत इसका है, यदि गुरु सप्तमेश हो तो शरीर में पीड़ा होती है, उसके उस दोष के शांति अर्थ शिव सहस्त्र नाम या रुद्री जप तथा गोदान करें तो अभीष्ट कार्य सिद्ध होता है। देखिए कन्या लग्न की कुंडली में, ये कन्या लग्न जो 6ठा नंबर जो लिखा है ये कन्या लग्न है, इसमें ये 7वें भाव में मीन राशि जिसकी 12 नंबर होता है, यहाँ पे गुरु है सप्तमेश होके मार्केश है, ऐसी इस कुंडली में भी कन्या लग्न की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे जातक को शिव सहस्त्र नाम का जप, रुद्री जप और गोदान करना चाहिए। नेक्स्ट, तो ऐसे ही जो जातक है जिनको सप्तमेश कन्या लग्न में सप्तमेश होके गुरु खराब है उनको लिए ऋषि पाराशर ने उनको शिव सहस्त्र नाम का बताया। मैं बार बार कह चुका हूँ सभी वीडियो में कि शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम ये सब बड़े काम की चीज है, इनसे सभी ग्रहों की शांति होती है और कोई हानि नहीं होती है और आपको निःशुल्क 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ हिंदुओं के भगवान पैसे से ही कोई सुख होते हैं क्या? ये सब होंगा पंडितों ने दुष्प्रचार किया है कि बहुत महंगी पूजा कराना तब भगवान खुश होंगे। भगवान कभी किसी से धन नहीं मांगते, वो गरीब आदमी को कोई दान देने की जरूरत नहीं है, वो 1 रुपया का भी दान ना देगा, क्योंकि शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ कर लेगा तो चलेगा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले तो भी उसकी ग्रह शांति होगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा।
तो सभी जो है वीडियो को देखने वालों से निवेदन है कि दान जप विष्णु सहस्रनाम शिव सहस्रनाम महामृत्युंजय मंत्र गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, रामायण गीता का भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, स्तुत पाठ, राम रक्षस, अरे इतने निःशुल्क उपाय, इनमें से कोई भी एक कर लो, आप सारे करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, कोई भी एक कर लो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और प्रतियोगिता वाले छात्र इस चक्कर में नहीं रहने चाहिए कुंडली के, उनको सीधा अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, उनका सब ग्रह बढ़िया है, उनको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। गर्भवती माताएं, किशोरी बालिकाएं ऐसी, उनको खाने के लिए बहुत, उनको फास्ट नहीं रहना चाहिए और उनको भी कोई लंबे लंबे व्रत नहीं रहना चाहिए, उनको कोई भी भगवान का नाम ले सब भला होगा। गरीब व्यक्ति किसी दान के चक्कर में ना पड़े, गरीबों को दान देने की कभी जरूरत होती नहीं, बेचारे के पास खाने को दाना नहीं, वो क्या दान करेगा, वो प्रभु के नाम ले ले, वैसे ही गरीब आदमी का क्या ग्रह क्या करेंगे, उनके पास वैसे ही कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो पोंगा पंडितों ने बहुत दुष्प्रचार करके डराया, जिससे कि उनकी जीविका चलती है, ब्राह्मणों की और ये ज्योतिष वालों की जीविका कैसे चलती है, जब तक वो नहीं डराएगा तो उनको तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो ऐसे ज्योतिष शास्त्रों के आधार बता के शास्त्रों का श्लोक कोट करके आपको डराते हैं कि शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा, ये लिखा है शिव शास्त्र कम जपेत, मतलब शिव सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम भी जपेगा तो उसकी ग्रह की शांति होगी, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होने वाली है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा विकल्प है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, माफ़ करना थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काम की थी जो बताने की थी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, जिससे कि मैं आपकी प्रेरणा से और आपके सहयोग से मैं और भी ऐसे वीडियो बना सकूं। यदि आप कोई कमेंट लिखते हैं, अच्छा कमेंट या बुरा कमेंट, तो मैं उसको सुधारूंगा अपने वीडियो में, कोई गलती होगी, अच्छा कमेंट होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।